आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अंबिया का तारुफ करवाया है, जो नबी अल्लाह इंसानों की तरफ भेजता है, जो कि बुनियादी सिफात क्या हो, और उसके बाद ये बताया है कि जिनकी तरफ अल्लाह अपने नबियों को भेजता है उनमें से बहुत सारे लोग सिवाय हकीकी मोमिनों के, जिनको अल्लाह हकीकी मोमिन कहता है, बाकी लोग बज़ाहिर यही कहते हैं और दावा करते हैं कि हम अंबिया के मानने वाले हैं और अंबिया के साथ जो किताब आई है उसको मानते हैं, तस्लीम करते हैं, लेकिन उनकी अक्सरियत अल्लाह के कानून के बारे में, अल्लाह के भेजे हुए दीन के बारे में इख्तलाफात का शिकार हो, ये बताया है। और तो आखिरी हिस्से में इस आयत में ये बताया है कि अल्लाह तबारक व तआला जब इख्तलाफात हो जाते हैं तो हकीकी मोमिनों को खुदावंद आलम अपने हुक्म से हक की हिदायत फरमा देता है, यानी उनका हकीकी ईमान सबब बनता है कि वो इख्तलाफात के दौर में, फितनों के दौर में सिरात मुस्तकीम पर। सूरत बकरा आयत नंबर 213, इंतखाब इसलिए किया इस आयत का कि जो गुज़श्ता अयाम गुजरे वो अल्लाह के आखिरी नबी अंबिया के सरदार हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा बनता है, और ज़रूरी है कि जिस कदर हो सके अल्लाह के नबी का जिक्र किया जाए। और जैसा कि इस आयत में है, बिलउमूम अल्लाह के नबी क्यों आए थे और जिनकी तरफ आए थे उन्होंने क्या रवैया इख्तियार किया अंबिया के बारे में, उनके पैगाम का, खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है, कान अन्नास उम्मतन वाहिदा, लोग इब्तिदा में एक उम्मत थे, यानी एक सादा ज़िंदगी गुजारते थे, जिस तरह इख्तलाफात और लड़ाइयाँ झगड़े वगैरह उनमें नहीं थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मसाइल पैदा होना शुरू हुए तो इंसानियत की के मसाइल के हल के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया को। अब यहाँ पर तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह ने अपने नबियों को इंसानों के सिर्फ आखिरत के मसाइल के हल के लिए नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह ने अपने अंबिया को इंसानों के तमाम मसाइल, चाहे दुनिया के हों चाहे आखिरत के, सब मसाइल और मुश्किलात का हल देकर अल्लाह ने अपने नबियों को भेजा है। और हक भी यही है कि जब इंसानों ने एक मुद्दत ज़मीन पर गुजार दी तो फिर वो दीन कामिल दीन नहीं होगा कि जो उन इंसानों को उनकी ज़मीनी ज़िंदगी के बारे में गाइड नहीं करता और उनके ज़मीनी मसाइल को हल नहीं करता। فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين, तो अल्लाह ने अपने अम्बिया को मबऊस फरमाया, बेइसत अम्बिया, नबियों का भेजा जाना, ये काम अल्लाह ने किया। और वो अम्बिया क्या थे? मुबशरीन व मुनज़रीन, इंसानों को खुशखबरी देने वाले और इंसानों को नाफरमानी के नतीजे में बुरे अंदर
हम से खबरदार कर रहे हैं। यहां पर फिर जरा तवज्जो फरमाइए, आमतौर पर मजहब और दीन के बारे में जो ज़हनों में तसव्वुर है हमारे, खुशखबरी देने वाले यानी जन्नत की खुशखबरी देने वाले, मुनज़िरी खबरदार करने वाले डराने वाले यानी जहन्नम से डराने वाले, आया सिर्फ यही है? हरगिज़ नहीं। अंबिया खुशखबरी देने वाले थे, सिर्फ ये नहीं कहते थे कि अगर हमारी इताअत करोगे तो आखिरत में अजर मिलेगा, अगर हमारी इताअत नहीं करोगे नाफरमानी करोगे तो फकत आखिरत में अजाब होगा, ऐसा नहीं। बल्कि अल्लाह के नबी ये कहा करते थे कि अगर हमारी बात मानोगे तो खुदा तुम्हें दुनिया में भी इज्जत देगा और आखिरत में, और अगर हमारी बात नहीं मानोगे खुदा दुनिया में भी जलील और रुस्वा करेगा आखिरत में भी जलील और रुस्वा करेगा, और ता कयामत यही फॉर्मूला। बस ये मुबशिरीन व मुंदिरीन फकत आखिरत के लिए नहीं है खुशखबरी देने वाले और खबरदार करने वाले, बल्कि पहले इसी दुनिया में आपने पढ़ा होगा, उलमाए किराम से सुना होगा, रसूलुल्लाह बिल्कुल इब्तिदा में कि जब गिनती के चंद अफराद ने अल्लाह के नबी पर ईमान लाया था, उस वक्त बिल्कुल लास्ट जमाने की बातें बता रहे, यानी अपनी जिंदगी, जो लोग उस वक्त मौजूद थे उनकी जिंदगियों के दौरान नजर आ जाने वाले नताइज का जिक्र करते थे अल्लाह के रसूल। क्या फरमाते थे? कहते थे अगर तुम मेरा साथ दोगे तो कैसर और किसरा के की सल्तनतें उन पर तुम्हारी अपनी, आखिरत में नहीं होना था, ये कहां होना था? इसी दुनिया में, इसी रूह जमीन पर। कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर मोमिनों से इसी दुनिया के इक्तदार का वादा किया गया, इस शर्त पर कि अल्लाह रसूल की बात मानो। कुरान मजीद के अंदर इसी दुनिया में माल और दौलत नेमतों की फरावानी, खाने पीने की अशिया की फरावानी, माल और दौलत की फरावानी जिसे दुनिया का माल कहा जाता है, उसकी फरावानी का वादा किया अल्लाह ने इसी दुनिया में। जो इस तरह आकर दीन बताए कि दुनिया में कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें दीन से, अगर दीन के रास्ते पर चलोगे दुनिया में कुछ नहीं मिलने वाला, फकत आखिरत की फिक्र करो, ये दीन को न खुद समझा है न दूसरों को सही समझा सकता। कुरान ने जो दीन बयान किया वो ये नहीं है। याद रखिए, आज जो उम्मत मुस्लिमा की हालत है बहुत सारे मैदानों में अकवाम आलम के मुकाबले में, आज जो दुनिया में मुसलमानों की हालत है, उसकी वजह क्या है? कि दीन से, दीन इस्लाम से तो नस्बत देते हैं अपने आप को, लेकिन जो आईन जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है उस आईन के मुताबिक, उन अकदार के मुताबिक, उन अहदाफ के मुताबिक जिंदगियां नहीं गुजारते। अमली जिंदगियों में आजकल के मुसलमान कहलाने वाले बहुत सारे, और सब नहीं अलबत्ता, लेकिन अक्सरियत अपने आप को मुसलमान कहने वाले, उनकी अमली जिंदगियां, उनकी आदतें, उनकी रूटीन, उनके अहदाफ, जिंदगी के जो ऑब्जेक्टिव उन्होंने रखे हुए, जो टारगेट सेट किए हुए अपने लिए, उनको अगर देखा जाए, उनकी महफिलों को देखा जाए, तो उनमें खुदा के एक मानने वालों में सो कॉल्ड नाम निहाद मानने वाले और खुदा के न मानने वालों की जिंदगियों में हमें कोई खास फर्क दिखाई नहीं है। सिर्फ ये कि ये कभी कभार मजहबी रसूमात अदा करता है और वो जो खुदा को नहीं मानता वो इस झंझट से भी अपने आप को आजाद समझता। असल बात पड़ी होती है, अल्लाह ने
انسانوں میں جب مسائل پیدا ہوئے انسانی معاشرے میں انبیاء کو بھیجا جو خوشخبری دینے والے تھے, ہماری بات مانو گے یہاں بھی اچھے نتائج لو گے اور اگلی دنیا میں بھی اچھے نتائج, ہماری بات نہیں مانو گے یہاں بھی ذلت اور رسوائی ملے گی اور آخرت میں ابدی زندگی میں بھی ذلت اور رسوائی ملے گی. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, توجہ فرمائیں, اور انبیاء کو اللہ نے کیا دے کر بھیجا؟ انبیاء کو اللہ نے کتاب دے کر بھیجا, ریٹن, لکھا ہوا اللہ کا قانون انبیاء کو دے کر بھیجا تاکہ انبیاء کیا کریں, انبیاء بھی پابند ہیں اس کتاب کے جو انہیں دی جائے. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِي, تاکہ نبی کیا کہہ رہے ہیں, لوگوں کے درمیان جو بھی اختلافات ہیں. اچھا پھر میں کہہ دوں, اختلافات سے مراد فقط آخرت کے بارے میں اختلافات نہیں, فقط خالص دینی مسائل جنہیں کہا جاتا ہے اس عقائد, فقط اس کے اختلافات نہیں, جو بھی اختلافات ہیں ان کا راہ حل, ان کے حل کی روش, اختلافات کے مثلا باوجود اکٹھا رہنے کی روش, اخلاق, طریقہ, تاکہ اس کتاب کے مطابق انبیاء لوگوں کو بیان کریں ان کے اختلافات کیسے حل ہوں. اور پھر فرمایا وما اختلف فیہ الا الذین اوتوا من بعد ما جاءتهم البینات, اور اس کتاب کے بارے میں اختلاف نہیں کیا مگر انہوں نے کہ جن کو کتاب دی گئی, جیسے آج ہم لوگ ہیں مسلمان, اختلافات کا شکار. اور یہ تب ہوا کہ جب اللہ نے اپنی واضح بینات ان کو دے دی تھی کہ جن کے بارے میں اختلاف کرنا ٹھیک ہے. بینات سے کہتے ایسی بات کہ جو بالکل واضح اور روشن ہو, اور آج بھی امت اسلام میں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جس پر ساری امت کا اتفاق ہے, اور قرآن ان اختلافات کا راہ حل بھی یہی بتاتا ہے, اور ایک اور جگہ پر فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے بینات آ جانے کے بعد اختلاف کیا اور تفرقے کا شکار ہوئے, گروہوں میں بٹ گئے, تم ان کی طرح نہ بنو. لیکن اب بن یا بھی وہی کہا جاتا ہے, ان لوگوں نے بینات آ جانے کے بعد اللہ کی کتاب کے بارے میں اختلاف کیا, وجہ کیا تھی؟ بغیاً بینہم, بغیاً یہ وہ لفظ ہے جس سے ہم اردو زبان میں لفظ بغاوت بھی استعمال کرتے ہیں. بغیاً کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کی خواہش میں حد کراس کر جانا, لمٹس کراس کر جانا. میرا جی چاہ رہا ہے کسی چیز کو حاصل کروں لیکن میرے لیے جائز اور حلال نہیں ہے وہ چیز, یا میرے اندر وہ قابلیت نہیں ہے. کسی کرسی پر بیٹھنا چاہتا ہوں لیکن جو میرٹس ہیں, جو سٹینڈرڈز ہیں, ان کے مطابق اس کرسی پر بیٹھنے کی قابلیت نہیں رکھتا, لیکن مجھے خواہش بہت شدید ہے. تو پھر جب جائز طریقے سے نہیں پہنچ سکتا تو پھر ناجائز طریقے سے, جھوٹ سے, دھوکے سے, رشوت سے, مختلف طریقوں سے وہاں پہنچنا چاہتا ہوں. کوئی بھی خواہش جس میں انسان حلال حدود سب کو کراس کر رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ وہ بنیادی سبب تھا جس کی وجہ سے امتوں میں اللہ کی کتاب کے بارے میں اختلاف ہوا. آج بھی یہ, چاہے ہمارے دنیاوی مسائل ہوں چاہے خالص دینی مسائل, جب انسان کسی چیز کی خواہش میں اللہ کی حدود کو کراس کر جاتا ہے, حلال و حرام کو بھول جاتا ہے, ظلم اور عدل کا فرق بھول جاتا ہے, تو پھر یہ معاشرہ وجود میں آتا ہے کہ جو آج ہمارا معاشرہ دکھائی دے. بغیاً بینہم فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ, تو ایسے میں اللہ نے کیا کیا, وہ لوگ کے جو ایمان لائے تھے ان کو اللہ نے حق کی طرف ہدایت کر دی اپنے حکم سے, حق کی طرف جو حقیقی بات,
हकीकी मोमिन वही होता है जो हद से तजावुज नहीं करता। जब उसे पता चल जाए ये मेरा हक नहीं है, इस चीज पर मेरा राइट नहीं है, तो जितनी भी ख्वाहिश हो अपने आप को कंट्रोल में रखता है। इसी का नाम ईमान है, इसी का नाम तकवा है, इसी का नाम कनात है, इसी का नाम इस्लाम है। लेकिन जब लिमिट्स क्रॉस करनी शुरू की जाती है तो फिर ये अल्फाज तो रह जाते हैं, इनके अंदर जो माना है वो इंसान भूल जाता है। तो मोमिनों को अल्लाह ने अपने हुक्म से हक की तरफ हिदायत कर दी, वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिल मुस्तकीम, और अल्लाह जिसे चाहता है सिरातिल मुस्तकीम की तरफ हिदायत। अब यहां पर बता दिया कि किसे चाहता है, वो लोग जो ईमान हकीकी रखते हैं उन्हीं को हिदायत नसीब होती है सिरातिल मुस्तकीम की तरफ। और ईमान हकीकी वो नहीं होता कि जहां ईमान का तकाजा अपनी ख्वाहिश से टकराए तो ख्वाहिश की तरफ इंसान जाए और ईमान को पीछे कर, वो हकीकी ईमान नहीं होता। ना ऐसे ईमान के नतीजे में अल्लाह हिदायत दिया करता। आज भी अगर अपनी इस्लाह चाहते हैं मुआशरे की, इस उम्मत की, हमें मालूम होना चाहिए कि अगर ये दीन जिसको हम दीन समझ रहे हैं, जो हमने देखा है, जो हमने सीखा है, अगर ये हकीकी दीन है तो इस पर चलने के नतीजों का सिर्फ आखिरत में इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे दुनियावी मुआशरे में भी इसके आसार, हमारी दुनियावी जिंदगी में भी इस दीन के आसार जाहिर होने चाहिए। और अगर ये दीन हमारी दुनिया को बेहतर नहीं बना रहा, दुनिया में इज्जत, दुनिया में बुलंदी और तरक्की की तरफ नहीं लेके जा रहा, इसका मतलब ये है कि ये हकीकी दीन नहीं जो हमें दीन के नाम पर दिया गया, कुरानी दीन नहीं है। तो जो यह तासीर नहीं दिखा रहा, आखिरत में भी उसका तासीर दिखाना मशरूत है, क्योंकि हकीकी दीन की तासीर कुरान में यहाँ भी बताई है और वहाँ भी बताई है। खुदा बंद आलम गौर फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. सिर्फ मुत्तकीन से सलाह करूँ।
نسبت وہ عظیم فرزند اسی رسول اللہ کے جن سے مذہب جعفری منسوب ہے، یعنی امام جعفر صادق کریں اور موقع کو غنیمت سمجھا کریں کہ جب بھی کسی معصوم ہستی کا یوم ولادت یا یوم رحلت یا شہادت آتا ہے تو اپنے ایک تو جو عمومی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں وہ بھی اپنے آثار اثرات رکھتی ہیں، لیکن سب سے بہترین کام ایک اور وہ یہ کہ اپنے گھر میں ماحول بنائیں، شوہر بیوی اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے اور کوئی تھوڑا سا مطالعہ کر کے اور اس ہستی کے حالات زندگی کو ان کی صفات کو ان کی مشکلات کو ڈسکس کیا جائے، یہ ماحول اپنے گھروں کے اندر جو تعلیمی اداروں کی وجہ سے وہاں پر جو کمی ہے اور آپ کے بچے وہ نہیں سیکھ پاتے، اس کمی کو اپنے گھروں کے اندر دور کرنے کی کوشش کریں جتنا آپ خود اپنی اولاد پر مؤثر ہو سکتے ہیں، ان کی تربیت کر سکتے ہیں، دوسرا کوئی بھی ایسی تربیت نہیں کر سکتا، کیونکہ جتنا وقت آپ کے پاس ہوتا ہے ان کے ساتھ گزارنے کے لیے کسی دوسرے کے پاس وہ وقت نہیں ہے۔ سلوات پڑھیں، تاریخ میں مختلف ادوار میں اس کو بڑھایا گیا، اس کی موجودہ شکل آج آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی نے مہاجرین اور انصار کے ساتھ مل کر اور اللہ کے نبی خود اس کی تعمیر میں شریک ہوا، وہ جو اینٹیں تھیں، انگارا تھا، مٹی تھی، جیسے دوسرے کام کر رہے تھے رسول اللہ بھی ان کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ 26 ربیع الاول یوم رحلت و وفات ہے، رسول اللہ کی مکی زندگی میں اسلام کے عظیم ترین محسن اور رسول اللہ کی پناہ گاہ، جسے قرآن مجید نے اشارہ کیا اس طرح الم یجدک یتیما فآوى، اپنے احسانات جو اللہ نے گنوائے ہیں سورۃ الضحیٰ میں وہاں پر آغاز یہاں سے کیا ہے، اے رسول مت سمجھیے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، جب آپ بچپنے میں تھے یتیم تھے آپ کو یتیم پا کر آپ کو پناہ نہیں دی، اور جب انسان دیکھتا ہے کہ پناہ کیسے دی تو پہلے حضرت عبدالمطلب نظر آتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، اور اس کے بعد تمام تقریباً مکی دور میں رسول اللہ کی پناہ گاہ جس کو اللہ کہہ رہے میں نے پناہ دی جناب ابو طالب علیہ السلام اگر کوئی یہ کہے، چونکہ بعض کا کام فقط اعتراضات ڈھونڈنا اور کرنا، اگر کوئی یہ کہے کہ اگر رسول اللہ کو ابو طالب نے پالا ہے اس میں تو کوئی دلیل نہیں کہ ابو طالب اچھے تھے، اس لیے کہ اللہ نے موسیٰ کی پرورش فرعون کے گھر کروائی، ٹھیک ہے، کہنے والا یہ بات کہہ سکتا ہے، لیکن اگر یہ کہنے والا خود ہی غور کر لے تو یہ کمپیریزن، یہ موازنہ بنیاد سے غلط ہے، اس لیے کہ فرعون کو جیسے ہی پتا چلا کہ میرا آئین، میرا سابقہ دین، میری حکومت، میرا سسٹم خطرے میں ہے، وہ موسیٰ کی جان کا دشمن بنا، لیکن ابو طالب علیہ السلام و السلام کو جب اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کر دیا اور اپنی دعوت کی تحریک شروع کر دی
तो फिर इस सवाल करने वाले से पूछना चाहिए कि क्या होना चाहिए था? जनाब अबू तालिब को फिरौन की तरह रसूलुल्लाह का दुश्मन बन जाना चाहिए था, रसूलुल्लाह के खिलाफ तहरीक का सरबराह बन जाना चाहिए था। लेकिन बरक्स हुआ, मुखालफत करने वाले जब एक साइड पर हो गए तो सरदारान मक्का में से रसूलुल्लाह का सबसे बड़ा दिफा करने वाला उस हस्ती का नाम जनाब अबू तालिब। जिसके दिफा में, जिस बुत परस्ती के दिफा में रसूलुल्लाह तो डायरेक्ट बुतों पे अटैक कर रहे, अगर ऐसा मसला होता तो जैसे फिरौन इस बात का पता चलते ही खिलाफ हो गया था हजरत मूसा के, हजरत तालिब को खिलाफ हो जाना चाहिए था। लेकिन अपनी आखिरी सांस तक और जब दुनिया से जा रहे थे वो वक्त की गवाह है कि अपने बच्चों को भी बुलाया और वसीयत की कि मेरे बाद अपनी जानों से बढ़कर रसूलुल्लाह की हिफाजत आप लोगों ने करनी। दीगर मुनासिबात भी हैं, 22 रबीउल अव्वल बनी नदीर यहूदी कबीला था, उनके खिलाफ रसूलुल्लाह का गजवा है, इसके बयान का वक्त नहीं है। और इसी तरह 29 रबीउल अव्वल बाद रिवायात के मुताबिक वो दिन है कि जब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब करूँ, और उसके बाद फिर मदीना वापस नहीं आए, कूफा ही को अपना दारुल खिलाफा करार दिया उन फितनों की वजह से कि जो शामियों की तरफ से हुकूमत इस्लामी के अंदर उनकी बगावत और उनकी फितना गलियों की वजह से जाहिर हो रहे थे। आखिरी नुकता जो करना चाहूँगा वो इस वबा के बारे में, कोरोना के बारे में, आप सबको मालूम है, डॉक्टर्स भी बता रहे हैं और प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि जो पहली लहर आई थी कोरोना वायरस की, ये दूसरी लहर उससे ज़्यादा शदीद। लेकिन हम चूँकि इंसान की नफ्सियात है, पहली दफ़ा कोई चीज़ हो तो उसको ज़्यादा संजीदा लेते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे वो है कि मानूस हो जाता है, आदी हो जाता। लेकिन ये हमारा आदी हो जाना इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना भी हमारे साथ कोई दोस्ती के दूर में आ गया और गर्व पड़ गया, बल्कि ये दूसरी लहर जो है पहली से ज़्यादा सख्त साबित हो रही है। और हम खुद पंजाब में भी हमने देखा, बल्कि अपने आसपास के इलाकों में भी देखा कि जहाँ पहली लहर में कोरोना से अमवात का नहीं सुना था, लेकिन बहुत सारे लोगों को कोरोना की वजह से दुनिया से जाते हुए देखा है। आपसे गुजारिश करेंगे कि इसको संजीदा लें, अपनी जान की हिफाजत करना शरई एतबार से, दीनी एतबार से वाजिब है। दूसरों की जान को ख़तरे में डालना जब मालूम हो के बे एहतियाती से ऐसा हो सकता है, ये शरअन हराम है और गुनाह है। यानी इंसान लापरवाही कर रहा है, समझ रहा है मैं तो गैर दीनी काम नहीं कर रहा, गुनाह कर रहा। ठीक है, आप मसलन मास्क हतमन लगा के रखें, जो हिफाजती तदाबीर डॉक्टर्स बता रहे हैं कि मैं अभी उसको दायरा बयान करने का वक्त नहीं है, वक्त तमाम हो चुके हैं, लेकिन ताकीद के साथ ये गुजारिश करूँगा कि अपनी जानों की भी हिफाजत करें और अपने दीगर मुसलमान भाइयों की, इंसानों की जानों की भी हिफाजत करें। परवरदिगार आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके इस वबा से बशरियत को, इंसानियत को जल्द अज जल्द निजात अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.